जयगांव टुडे चैनल किसी भी हिंसक हानिकारक या अवैध गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री केवल सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कालचीनी थाना के अंतर्गत डीमा चाय बगान में आज चाय श्रमिकों का आंदोलन देखने को मिला। इस जगह आज सुबह से ही बगान श्रमिकों के द्वारा काम बंद करके आंदोलन में शामिल हुआ गया। चाय श्रमिकों का कहना है कि 1 सितंबर से बगान में 18 रुपया दैनिक मजदूरी बढ़ोतरी लागू हुई। इधर डीमा चाय बगान में यह दैनिक मजदूरी 1 सितंबर से लागू हुई है, मगर बगान मैनेजमेंट के द्वारा कल कहा गया कि 18 रुपया दैनिक मजदूरी ज्यादा देने के आवेज में सभी को आधा घंटा काम ज्यादा करना होगा। उन्होंने कहा कि हम बगान मैनेजमेंट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हर बगान में आधा घंटा अधिक काम करने का फैसला होता है तो यहाँ भी उसे स्वीकार किया जाएगा, परंतु इस तरह जबरन आधा घंटा काम अधिक करने का फैसला हम स्वीकार नहीं करेंगे। इधर बगान के ट्रेड यूनियन भाजपा के अमंदर झा, तृणमूल के शिवराम नायक ने कहा कि बगान में लगी की 18 रुपये दैनिक मजदूरी 1 सितंबर यानी कल से लागू हुई थी। इधर मालिक पक्ष के द्वारा 18 रुपये बढ़ोतरी के आवेज में बगान श्रमिकों को आधा घंटा अधिक काम करने को कहा जा रहा है, जिसका चाय श्रमिक विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भी बगान मैनेजमेंट के इस फैसले का विरोध करते हैं। हम यह चाहते हैं कि बगान सुचारू रूप से चले। अगर सभी बगानों में यह नियम लागू होता है तो यहाँ भी इसका पालन किया जाएगा। इधर बगान मैनेजमेंट अभिजीत शर्मा ने कहा कि जो भी बगान में हो रहा है वह सब बगान नियम के अंतर्गत हो रहा है। हम कोई भी कानून तोड़ने का काम नहीं कर रहे। काम का समय जितना है उससे अधिक भी काम करने को नहीं कहा जा रहा है। ये मुख्य कारण है कि हम लोग का यहाँ जो जून महीना से जो नोटिफिकेशन जो आया 250 रुपया जो हाजिरी वृद्धि हुआ चाय क्षेत्र में 18 रुपया लागू होने का है। वो 18 रुपया लागू होने का था तो मैंने ये गणेश मैंने मान लीजिए अगस्त महीने से लागू होने का था, ये लागू नहीं हुआ। कल 1 तारीख से सितंबर 1 तारीख से लोग लागू करने के बाद कंपनी का बोलना है कि आधा घंटा काम ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ लेबर का बोलने का है कि अगर सब बगान में जो दे आधा घंटा करेगा, मतलब डुअर्स तराई में जितना भी 233 बगान है वहाँ जो दे आधा घंटा लागू करेगा तो हम लोग भी यहाँ पर आधा घंटा काम करने के लिए मंजूर है। लेकिन हम लोग का एरियर भी पैसा नहीं दिया, एरियर भी लागू नहीं है, हम लोग का जो देना पाना भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। और आज आप लोग यदि इस प्रकार से हम लोग का कंपनी यदि बोलेगा तो हम लोग काम नहीं करेगा बोल के सुबह से लेबर सब यहाँ पर आया हुआ है। और हम लोग भी लीडरशिप का तरफ से हम लोग चाह रहा है कि बगान पीसफुल चले। कंपनी को हम लोग अभी लिखित रूप देगा कि जो सिस्टम में बगान जो पहले से जो लेबर से जो टाइमिंग है काम करने का वो टाइमिंग से ही काम हो, और जो भी लागू करना है आपका एरियर और आपका जो 18 रुपया जो लागू करना है वो लागू कीजिए। उसके बाद में अगर सभी बगान में जो दे आधा घंटा लागू होगा हम लोग भी आधा घंटा आपका लिए ऑपरेट करेगा बगान का हित के लिए। लेकिन लेबर को का हित का लेबर को मार के यदि ये प्रकार करेगा तो हम लोग भी यूनियन मैंने असहमत है सपोर्ट करने के लिए। बीजेपी का प्रेसिडेंट डीमा बगान वर्क, आज जैसे कि हम लोग का बगान में वर्कर इतना भीड़ होने का कारण है कि बीते काल अचानक हम लोग का मैनेजर जो 18 रुपया केंद्र से जो फैसला होकर आया था 18 रुपया कल से लागू किया, तो लोग क्या किया 18 रुपया जैसे लागू हुआ इसे लेबर लोग को आधा घंटा काम बेसी लेने के लिए लोग माने जोर ले लगा कि आधा घंटा काम आप लोग को बेसी करना पड़ेगा। तो हम लोग को बुलाया, हम लोग लीडर लोग से बात किया और हम लोग बोला कि लेबर लोग से बात करना पड़ेगा इसके विषय लेके। तो हम लोग लेबर लोग से बात करने का मौका ही नहीं हम लोग को नहीं दिया। आए लोग माने आज से माने 7 बजे महाका दिया लेने सुबह से कि 7 बजे मेरा बंद है, तो उस लेकर लेबर लोग सब यहाँ पर आने शुरू किया। और दूसरा बात है कि हम लोग का बगान में बहुत ऐसा प्रॉब्लम है, ये लोग दिखाता है बाहर से बहुत कुछ है। जैसे कि हम लोग के यहाँ पर मेन मुद्दा आज में 7 महीना से हम लोग का जो 2,25,000 करके जो गिजेटी आता है हम लोग का मालिश उसको भी अभी रोक के रखा हुआ है। 2,25,000 करके हम लोग का गिजेटी आता है उसको भी 5-7 महीना से अभी रोक के रखा हुआ है। आज देगा कल देगा बोल के अभी वो भी नहीं दे रहा है। दूसरा बात है कि लकड़ी का पैसा हम लोग का ये लोग भेज रहा है रोबिस में वो नहीं भेज रहा है। माने बहुत ऐसा मुद्दा है, वो गिनाने जाने से आपको आधा घंटा हमको समय देना पड़ेगा। हमको इसका बारे में कुछ कमेंट्स देने का अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हम इतना बोल सकता है हमारा बगान में जो भी एक्टिविटी अभी वर्क वाइज एक्टिविटी हो रहा है सब विद इन रूल्स, एज पर रूल्स, एज पर गार्डन ट्रेडिशंस, एज पर कंपनी एक्ट, एज पर PLA, एज पर लेबर एक्ट, एज पर इंडस्ट्री रूल्स, कोई भी लॉ हम लोग तोड़ने के लिए नहीं कर रहा है। वर्किंग आवर्स जितना है उससे ज़्यादा काम करने के लिए भी नहीं कह रहा है।
वर्किंग आवर्स जो है उसी के लिए काम करने के लिए बोला जा रहा है और कोई भी इसमें वेट या कोई भी रूल तोड़ने का कोई भी सवाल नहीं है।